थाना क्षेत्र के ग्राम उमरिया का रहने वाला हरिचरण अहरवार इंडियन आर्मी में कमांडो है। वर्तमान में वह असम में तैनात था। विगत 8 जुलाई को वह छुट्टी पर अपने घर वापस लौटा था। इस दौरान उसे कोर्ट का एक नोटिस मिला जो उसकी पत्नी द्वारा भिजवाया गया था। नोटिस के अनुसार हरिचरण को ग्वालियर में पेशी पर जाना था, लेकिन उसकी पत्नी वहां उपस्थित नहीं हुई। इसके बाद परेशान होकर 2 दिन पहले हरिचरण गांव वापस लौट आया और बीते रोज उसने अपनी लाइसेंसी बंदूक से स्वयं को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। मृतक के पिता ने बताया कि हरिचरण उसका इकलौता पुत्र था और उसने यह कदम अपनी पत्नी से प्रताड़ित होकर उठाया है। बताया जा रहा है कि 27 जुलाई को उसी ड्यूटी पर वापस लौटना था। महाराजपुर से शिवम चौरसिया की रिपोर्ट। मेरे को कल 4 बजे बच्चे ने मेरी आसाम राइफल में नौकरी करता था और कल परसों ग्वालियर से कोर्ट में गया था। ग्वालियर से आया गाँव ग्राम उमरिया में, तो उन्होंने 6 साल से बहू रह रही, उसके साथ नहीं रह रही, उसकी तनख्वाह से पैसा भी कट रहे हैं और ऐसो वो उसके हाथ नहीं रहती, उल्टा सीधा एड्रेस डालती है ग्वालियर का, वो मिल नहीं रही है। कोर्ट में गया ना तो कोर्ट में भी उसने पुकार की तो कोर्ट में भी केस चल रहा है और कोर्ट से कोई उसका काम नहीं हुआ। तो यहाँ घर पे आकर के मेरा पैसा भी जा रहा है, मेरे और मेरे साथ नहीं रह रही है। मेरा 20 लाख का जेवर भी ले गई है, मेरा सामान भी ले गया, मेरा क्या बचा कुछ नहीं बचा। मेरे को यही आखिरी है कि मैं अपनी बंदूक से और अपनी आत्मा गोली मार लूँ। ये कहकर उसने अपने प्राण गंवा दिए। आप वहीं पे थे? मैं उसका फादर बोल रहा हूँ। कितने बजे की घटना है ये? घटना 4 बजे की घटना है। अच्छी पूरे गांव में पूरी वीडियो कॉलिंग बना रहा था, पूरी वीडियो कॉलिंग करके फिर उसने 4 बजे घर पे आया और गन उठाई और अपने अपने से उसने गोली मार ली।